मंगलवार से ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष दो सूत्रीय मांगों को लेकर पूरे भारत में क्षेत्रीय कार्यालय पर ट्रेनिंग और ड्यूटी कर रहे लोको पायलट 48 घंटे के सामूहिक उपवास पर बैठे हैं। लोको पायलट का कहना है कि देश के नागरिकों को भारतीय रेल का लोको पायलट मिशन परिस्थितियों में ट्रेन का परिचालन करते हुए सुरक्षित गंतव्य तक पहुँचाता है। रेल यात्रियों की यात्रा में बाधा न आए इसके लिए ट्रेन लोको पायलट सीधा हड़ताल में नहीं जा सकता। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के केंद्रीय कार्यकारिणी के निर्देशानुसार 17 जुलाई से सुबह 9 बजे से 19 जुलाई सुबह 9 बजे तक 48 घंटे भारतीय रेल के सभी लोको पायलट भूखे रहकर ट्रेन का परिचालन करेंगे। दो सूत्रीय मांगों में पहली बार भारत सरकार के द्वारा बनाए गए फार्मूले RSC 1980 के मुताबिक किलोमीटर भत्ते का निर्धारण करें और दूसरी सेवानिवृत्त कर्मचारियों जो कि 1 जनवरी 2016 के पूर्ण सेवानिवृत्त हुए हैं उनका पेंशन निर्धारण RBA 13/2018 के द्वारा उत्पन्न विसंगतियों को दूर करते हुए किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए क्षेत्रीय महामंत्री पूर्वोत्तर रेलवे GN शाह ने कहा, आपने DA की ग्रेड की घोषणा कर दी तो क्यों नहीं उसी दिन आपने माइलेज की ग्रेड की घोषणा 24% की घोषणा सातवें वेतन आयोग ने कर दी। इसी के पीछे भी इन सरकारों की इन निर्णय में जिस दिन से आपने TA का रेट का अनाउंस किया है और TA का रेट जिस रेट आपने दिया है अंजाम क्या होगा ये आप सोच लें। वहाँ से आपके GM का ऑफिस भी खर्च आता है, आप चाहे भले AC में बैठ जो भी है वो तो होगा ही। गेसन हम पर कर चुके थे, हम उनसे आग्रह कर रहे थे, अनुनय भी न कर रहे थे, अनुनय भी न करके ये भी हमारा अनुनय भी न। ये जो 48 घंटे का धरना है भूख उपवास, ये पूरे देश में ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के द्वारा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों पर, महाप्रबंधक कार्यालयों पर और जो भी ड्राइवर हमारे ट्रेनिंग में हैं या ऑन ड्यूटी हैं उनके द्वारा ऑब्जर्व किया जा रहा है 48 घंटे का भूख हड़ताल। मुख्य डिमांड है हमारी कि जो रनिंग अलाउंस कमेटी RAC 1980 है उसके अनुसार हमारा माइलेज का रेट निर्धारित करके शीघ्र दिया जाए जो कि 2.5 साल हो गए अभी तक आया नहीं है। दूसरी मांग है कि जो वेतन जो रिटायरमेंट हुआ है हमारा 1/1/2016 के पहले ड्राइवर और सहायक उसके वेतन रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन में भयंकर विसंगतियां आ गई हैं उनको तत्काल दूर करके और 1/1/2017 से जो हमारा नया पेंशन होना चाहिए उसको लागू किया जाए। ये मुख्य दो डिमांड्स हैं। यहाँ पर करीब 150 की संख्या में हम लोग बैठे हुए हैं और पूरे देश में तो लगभग हमारे 90% ड्राइवर और सहायक बंधुओं का समर्थन है इसका। यदि सरकार हमारे इस 48 घंटे के सत्याग्रह के बाद सुन लेती है तो ठीक है, नहीं तो हम इन द ड्यू कोर्स डिसाइड करेंगे कि हमको अपनी मांगों को मनवाने के लिए कौन सा रास्ता अख्तियार करना है, ये हम बाद में डिसाइड करेंगे मीटिंग करके। मैं JN शाह, क्षेत्रीय महामंत्री, पूर्वोत्तर रेलवे।